तो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, और अगर टैक्स स्लैब में बदलाव हो जाता है तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से आपको नए साल पर ये बम्पर तोहफा मिलेगा। मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। असीम चावला साहब, यहाँ पर करीब करीब सर 54% टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने फाइल किया रिटर्न, लेकिन उनकी जीरो टैक्स लायबिलिटी थी। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से टैक्स स्लैब्स में अगर बदलाव किए जाते हैं तो जाहिर तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो टैक्स के दायरे में भी आएंगे और सरकार का जो कॉर्पस है वो यहां पर बढ़ेगा? बिल्कुल ठीक, यही पॉइंट मैं ब्रेक से पहले आपको कह रहा था कि टैक्स फाइलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं जी, और आधा नंबर 54% यानी 3.5 करोड़ का 54% आप हिसाब लगा लीजिए, तकरीबन 1.75 करोड़ टैक्स पेयर्स जो हैं जिनकी टैक्स फाइलिंग्स तो है बट शायद टैक्स पे नहीं कर रहे। अगर आप बेस स्लैब बढ़ा देंगे तो उससे टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि आप बेस स्लैब में बड़ा चेंज करते हैं कि आप जो इंटरमीडिएट चेंजेस हैं या एक बीच में एडिशनल स्लैब और लाते हैं ताकि कुछ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ भी जाए, क्योंकि बेस स्लैब को चेंज करने से फिर बहुत सारे एग्जिस्टिंग टैक्स फाइलर्स टैक्स नेट से बाहर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न। मौजूदा दरकार इस समय यह है कि बहुत सारे लोग टैक्स नेट में आए और टैक्स भी पे करें। बिल्कुल, और डीएस सक्सेना साहब, पिछले 2 साल की मुहिम से ये हुआ कि लोग टैक्स नेट में तो आए बिल्कुल पर टैक्स नहीं पे किया। बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स मुहिम से जुड़े जरूर लेकिन टैक्स नहीं यहाँ पर पे किया। डीएस सक्सेना साहब, नोटबंदी जिस तरह से शुरू हुई, डीमोनेटाइजेशन जिस तरह से शुरू हुआ, आपको लगता है दैट दिस ऑफ कोर्स इन अ वे इट हैज कर्ब्ड ब्लैक मनी, लेकिन टैक्स से जो लोग बच रहे थे अब उनके लिए बचने की कोई जगह नहीं है? हमने लखनऊ की एक खबर दिखाई थी, लगता है कि काफी जी, जयपुर की एक खबर दिखाई थी जहां जो बिजनेसमैन है उसने कहा कि मेरी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए है लेकिन वो कहीं ना कहीं पर कमा 80 लाख रुपए रहा था, वो टैक्स देने से बच रहा था, हालांकि उसने गाड़ी खरीदी 75 लाख रुपए की कैश गाड़ी खरीदी। जो लोग जो बच रहे थे अब वो भी यहाँ टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, ऐसे ही होगा। और मैं आपको एक और बात, जो डिस्कशन अभी चल रहा है कि जो क्वांटम टैक्स का आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 8,000 लोग जो हैं वो 90% टैक्स जमा करते हैं, इसलिए अगर हम छोटे स्लैब्स में कोई भी चेंज करें तो इस पे बहुत ही सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा टैक्स तो हमें जो है वो बड़े एसएससी से मिलता है। तो अगर हम मान लीजिए बेस स्लैब्स बढ़ा दें, मतलब जो फ्लोर है बढ़ा दें, और साथ में मान लीजिए 1% अगर सरचार्ज को बढ़ा दें तो टैक्स कलेक्शन जो है वो उतना ही रहेगा। तो इसलिए जो है जो जो नीचे के स्लैब्स को अगर हम बढ़ाएं तो इससे मुझे लगता नहीं कि टैक्स कलेक्शन डाउन होगा, बल्कि लोगों को थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा, लगेगा कि कुछ फायदा, कुछ पैसा यहाँ पर बचा है। बिल्कुल, मेरे पास समय बहुत कम है, वेजन साहब आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ पर देना चाहेंगे? नहीं, देखिए मेरा कहना यह है कि जैसे असीम जी कह रहे थे कि हमें टैक्स बेस को कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग 2.5 लाख से ऊपर हैं कम भी हैं, जैसे आपने कहा 54% टैक्स रिटर्न भरते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते जी। और एक टैक्स को टैक्स कंप्लायंट कंट्री बनाने के लिए जरूरी है कि ये सब लोग नेटवर्क में रहें। तो मेरा सुझाव ये होगा कि अगर आप 2.5 से 5 लाख या 4 लाख की थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन दे देते हैं तो ये लोग टैक्स नेट से बाहर हो जाएंगे, टैक्स दे नहीं दे वो सवाल नहीं है। तो इसलिए जरूरी है लोगों को टैक्स नेट में रखना है। बिल्कुल, स्लैब और नीचे कर दे, बेशक आप एक 5% का स्लैब बना दें जी, लेकिन लोगों को टैक्स नेट में रखना बहुत जरूरी है ताकि जो टैक्स बेस है वो बड़ा होता चला जाए। बिल्कुल, अगर आप एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा देंगे तो वो शायद एक सवाल आएगा। आप स्लैब को हो सकता है कि आप 2.5 से 4 करना चाहते हैं, 2.5 से 5 कर दीजिए, लेकिन बेशक 5% कर दीजिए, वो एक लोगों को टैक्स नेट में रखेगा, इससे टैक्स कंप्लेंट बढ़ेगा। और जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है आज के देश में ये है कि हम टैक्स पेयर का बेस कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है टैक्स पेयर का बेस बढ़ाने का। बिल्कुल, टैक्स पेयर का बेस बढ़ाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। सर माफी चाहूंगी, मेरे पास समय बहुत कम है, वे जैन साहब, असीम चावला और साथ ही साथ डीएस सक्सेना साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफी की हमारे पास
समय की फिलहाल यहाँ पर कमी है। 2.5 लाख तक आप निल टैक्स देते हैं, लेकिन जो प्रपोज्ड है वो 4 लाख रुपए तक का टैक्स है। और सरकार यही कोशिश है उसकी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जिस तरह से देश बढ़ रहा है उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स स्लैब में यहाँ पर आए। मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।